जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज और क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 3800 करोड़ के फ्रॉड के बारे में, जो रिसेंटली सर अभी जो है निकल के आया है। कैसा निकल के आया, कौन सा बैंक इन्वॉल्व है, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपने क्या करना है सर, वीडियो करना लाइक। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं सर 2100 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है सर आप लोग इस लाइक टारगेट को आराम से अचीव करवा देंगे, राइट। और अगर आप ऐसी बहुत सारी और वीडियोस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए सर बात करते हैं उन पार्टीज की जो इन्वॉल्व है इस फ्रॉड के अंदर। पहली पार्टी है सर पंजाब नेशनल बैंक, दूसरी पार्टी है सर भूषण पावर। और यहाँ पे सर पंजाब नेशनल बैंक ही नहीं सर, लगभग 33 बैंक्स ने मिलकर जो एक्सपोजर ले रखा है, जो लोन दे रखा है भूषण पावर को, वो है लगभग 47,000 करोड़ के आसपास का, राइट। अब यहाँ पे सर जो पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया था वो था सर लगभग 4400 करोड़ के आसपास का। जी हाँ, 4400 करोड़ के आसपास का, जिसमें से पंजाब नेशनल बैंक का ऐसा कहना है कि भाई 3800 करोड़ जो है वो लोन, 3800 करोड़ का जो लोन है वो या तो फ्रॉड से लिया गया था या फिर सर उसको फ्रॉड पर्पसेस के लिए यूज किया गया है। तो मैं कह सकता हूं सर लगभग 85% का जो एक्सपोजर है पंजाब नेशनल बैंक का इन भूषण पावर, वो सर फ्रॉड हो चुका है। अब सर इसके मायने क्या है, इसके मायने ये है सर कि अब केसेस चलेंगे और सर केसेस में रिकवरी देखनी होगी कितनी हो पाएगी कितनी नहीं हो पाएगी। यहां मैं आपको बता दूंगा सर पंजाब नेशनल बैंक का डोमेस्टिक एक्सपोजर भी है और डोमेस्टिक एक्सपोजर होने के साथ साथ सर इनका जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। पंजाब नेशनल बैंक का जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है वो लगभग 3200 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें सर मेजर जो है वो सर आपकी चंडीगढ़ की जो कॉर्पोरेट ब्रांच है या फिर सर जो जोनल ऑफिस है चंडीगढ़ में उसकी तरफ से है। और सर कुल मिला के इनका 345 करोड़ रुपए के आसपास का जो एक्सपोजर है वो दुबई ब्रांच से है और 268 करोड़ रुपीस के आसपास का जो एक्सपोजर है वो हांगकांग ब्रांच से है। यानी इतना बड़ा बैंक है भाई, और इतना बड़ा बैंक सर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को पकड़ नहीं पाता या लोन देते समय सोचता नहीं है या लोन देने के बाद वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है उस पर नजर नहीं लगता। जब ये बातें सुनने को मिलती है तो बहुत ही ज्यादा ना मतलब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है। एनीवेज मैं आपको बताता हूं फ्रॉड किया कैसे। नंबर वन से पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि इस जो ग्रुप है, जो भूषण पावर का ग्रुप है, इन्होंने सर क्या किया, इन्होंने सर पैसे निकाले बैंक से और उसको, उन पैसों को सर इन्होंने अलग अलग डायरेक्टर और स्टाफ के थ्रू 200 डिफरेंट शेल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कराया और वहां से सर पैसे निकाल के लोग ले गए, राइट। या फिर सर दूसरा जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि भाई इन्होंने अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे मैनिपुलेट किया था टू रेज द फंड्स फ्रॉम द बैंक्स, जितने भी बैंक्स इसके अंदर 33 मैंने बैंक और इंस्टीट्यूशन बताए उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन सब से फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स दिए। अब कमाल की बात ये सर फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स, माय गुडनेस, जस्ट थिंक ओवर इट सर। तो यहाँ पे सर किस किस का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है, सर अकाउंटेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि खुद बैंक मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑडिटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ साथ सर यहाँ पे आपको देखना होगा कि फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स देना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, सबसे ज्यादा सर जिन्होंने लोन पास किया है उन्होंने क्या सर रोल प्ले किया। अभी सर इससे पहले मैं बता दूं, पिछले साल नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भी सर मिला के लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का जो है वो फ्रॉड किया था इसी बैंक के साथ। और तब सर देखा गया सर किसी इनसाइडर की मदद से जो है ये फ्रॉड किया गया था। अब इसमें कौन इनसाइडर इन्वॉल्व है सर हमें जरूर देखना चाहिए, और साथ साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि यार ये पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ ही क्यों हो रहा है। कभी आपने सुना HDFC बैंक के साथ 20,000 करोड़ का सर घोटाला हो गया? नहीं भाई, दे आर स्ट्रिक्ट, दे फॉलो द नॉर्म्स, राइट। और सर ये पब्लिक सेक्टर बैंक सर हमारे पैसे, हमारे लिटरली आपके और मेरे पैसे सर यहाँ पे जाते हैं और ये लोग सर ऐसे डिफॉल्टर्स को लोन देते हैं, बाद में सर हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई फ्रॉड हो गया, वेरी स्ट्रेंज। अभी सर पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि भाई NCLT के साथ, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ जो इनका केस पेंडिंग है ये वाला, और सर दे एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिकवरी। अब आप सोच के बताइए सर कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ क्यों होता है और आपको क्या लगता है कि रिकवरी कितनी हो पाएगी कितनी नहीं हो पाएगी, और आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगता है, मुझे ये जरूर अपने फीलिंग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो भाई बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये बैंक्स कैसे फेल हो जाते हैं, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही क्यों फेल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और अपडेट दे दूँ, इस बात का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी जरूर आना था। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर सर 10% नीचे जो है ट्रेड कर रहा था और मुझे लगता है बहुत लोगों ने सर इसे शॉर्ट किया होगा और पैसे बनाए होंगे। लीजिए सर, ये थी सर एक अपडेट भूषण पावर के फ्रॉड के ऊपर। आपके पास सर कोई ऐसे फ्रॉड्स की जानकारी तो मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जुड़ जाओ हमारे साथ, राइट गाइज। और मैं कोई खास बता दूं सर, अगर आप लोग सर हमारी कोई क्लासेस लेना चाहते तो Edu91 ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत अमेजिंग चीजें हैं। जैसे कि ऑडिट की क्लास के साथ सर मैं आप लोगों को देने वाला हूं, हर चैप्टर के साथ लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बना के दे रहा हूँ, यानी लगभग आपको 100 से 125 क्वेश्चंस की वीडियो, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अलग है ही, और 100 से 125 क्वेश्चन की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। ये सारी चीज़ें सर और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं Edu91 ऐप पे, राइट गाइज। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।